वेट, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा आप मुस्लिम लोगों का सपोर्ट क्यों कर रहे हो? माना आपकी गर्लफ्रेंड मुस्लिम है, चलो लड़की तो शादी भी करेगी तो आपके साथ, मतलब उसका रिलीजन वो फिर वो हिंदू ही हो जाएगी भले वो धर्म चेंज ना कराए। हेलो गाइज, शिवाली ठाकुर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और हम देखेंगे कि लोगों की क्या सोच है हिंदू और मुस्लिम को लेकर। तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? कैसी कैसी न्यूज़ आ रही हैं आजकल शॉर्ट्स में भी। नहीं हो क्या आप यहाँ पे? मैं नहीं तो क्या हुआ? नहीं ऐसे ही पूछ रही हूँ, आते रहते हो क्या? आता रहता हूँ, बताओ। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही गर्मी बहुत हो रही है ना। गर्मी तो होती है, शाम के टाइम में भी गर्मी उतनी ही है। पता नहीं बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, आज ही बारिश नहीं हुई। हाँ कल भी हुई थी बारिश, तो मौसम शाम के टाइम में थोड़ा ठीक रहता है। नहीं सुबह भी ठीक था, फिर से कोई पोस्ट आई है। ये आजकल मुस्लिम लोगों के बारे में इतना कुछ आता रहता है, पता नहीं यार ये कैसे होते हैं, मुझे तो बड़े बुरे लगते हैं ये। मतलब ऐसा क्यों? आप नहीं देखिए शॉर्ट्स में भी देख लो, इंस्टा पे भी आजकल क्या चल रहा है। खाना कहाँ पे आ रहा है ये देखो। नहीं आप मुस्लिम लड़के के बारे में हो गया फिर यार, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी के लिए? आता रहता है वो न्यूज में, कहीं भी देख लो। न्यूज देख के आप जज कर लोगे किसी को? मुस्लिम लोग ऐसे हैं वैसे हैं, हर कोई बोलता रहता है यार, मेरे से तो सभी बोलते हैं। तो यार जब सब बोल रहे हैं तो कुछ बात तो होगी, तभी तो बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि बिना वजह कोई कुछ भी बोलता है। आपने देखा है? मैंने देखा तो नहीं है, पर देखो अब सब बोल रहे हैं तो कोई बात तो होगी। मैंने सुना है ऐसा, जैसे ये लोग क्या करते हैं, ऐसे मतलब जानबूझ के जैसे हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं ताकि मतलब अपना रिलीजन चेंज करवा सके, अपनी कम्युनिटी बढ़ा सके। देखो मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, साथ में बैठते हैं हम। हाँ कोई होगा इक्का दुक्का, कोई मिल जाए ठीक है, पर आप सबको ऐसे नहीं बोल सकते ना। पर देखो यार सब बोलते हैं कि सारे ही ऐसे होते हैं, कोई ये किसी के सगे तो ये किसी के सगे नहीं होते, ये किसी के सगे नहीं होते ये बोलते हैं लोग। आपने देखा है? मैंने देखा नहीं है, वो तो पता है। हुआ है ऐसा कुछ मेरे साथ? नहीं अभी तो नहीं हुआ। तो फिर आप क्या बोल सकते हो यार? तो पर फिर भी देखो यार लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है ना। आप मुस्लिम हो क्या? नहीं मुस्लिम तो नहीं। तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? यार मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, एक फोटो दिखाई मैंने आपको, तो यार साथ में बैठते हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हो, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं। फ्रेंड्स होंगे पर लेकिन देखो मुझे लगता नहीं है। हाँ वैसे एक फ्रेंड तो था मेरा, मुस्लिम ही था, लगता तो था मतलब दोगला कहना तो नहीं चाहूँगी, बट देखो यार धोखा दिया था उसने एक बारी। हमें नहीं मिले ऐसा आज तक। मैं भी कह नहीं रही थी पर कह देती हूँ, चलो जब बात आई गई है, था एक फ्रेंड था मेरा, तब से ना मेरा भरोसा सा उठ गया है मुस्लिम लोगों से। ऐसा लगता है यार ये लोग सच में। तो फिर आपको फ्रेंड्स अच्छे नहीं मिले? देखो एक ऐसा है ना कि फ्रेंड, चलो मुझे मेरा फ्रेंड, मैं मिलवाऊंगा आपको अपने दोस्तों से मिलवा देना, वो तो अलग बात है। पर देखो यार मेरी ना एक फ्रेंड है तो वो भी बता रही थी, एक क्या बहुत सारी फ्रेंड्स हैं तो सब ना यही कहते हैं मुस्लिम लोग अच्छे नहीं होते, ये लोग धोखेबाज तो सबसे बड़े धोखेबाज ही होते हैं। अरे नहीं यार, एक मुस्लिम लड़की थी, फ्रेंड ही थी, वो खुद कह रही थी। मेरी भी गर्लफ्रेंड है, मुस्लिम है वो। आपकी गर्लफ्रेंड? अब मैं आपको फोटो दिखा दूँ इसकी, आप ये देखो। अच्छा बताओ, वॉलपेपर भी लगा रखी है। ऐसे कैसे जज कर सकते हो किसी को? देखो मुस्लिम लड़कियों की बात नहीं वैसे, अगर लड़कों की बात है तो लोग तो बोलते हैं ना यार, लोगों को बोलने दो कि मुस्लिम कम्युनिटी बेकार है। लोगों को बोलने दो ना फिर,
क्यों बोलने दूं तो यार, देखो नहीं मतलब यार देखो वो सही कह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं वही तो आपसे मेरे समझ नहीं आ रहा यार, एक सेकंड वेट, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा आप मुस्लिम लोगों का सपोर्ट क्यों कर रहे हो। मान आपकी गर्लफ्रेंड मुस्लिम है, चलो लड़की तो शादी भी करेगी तो आपके साथ मतलब उसका रिलीजन वो फिर वो हिंदू ही हो जाएगी, भले वो धर्म चेंज ना कराए ना कराए, लोग तो उसे हिंदू ही समझेंगे है कि नहीं, तो वो तो चलो एक अलग बात है आपकी गर्लफ्रेंड की, पर यार आपको इतना मुस्लिम लोगों से कुछ ज़्यादा ही लगाव सा लग रहा है। आप उनके बीच कभी रहे नहीं? मुस्लिम लोगों के बीच में रही तो हूँ पर देखो बहुत कम, कम मतलब उतना मैं, नहीं मैं बहुत ज़्यादा रहा। अच्छा ऐसा हर कोई नहीं होता, तो मतलब आपके हिसाब से मुस्लिम बुरे नहीं होते हैं, अच्छे हैं? कुछ होते हैं बुरे पर हाँ। सबको नहीं कह सकते ना, न्यूज़ देख के सबको नहीं कह सकते ऐसे। देखो क्या पता वो आपके दोस्त जो हैं मुंह पे मीठे बनते हो पीठ पीछे वो बुरे हो, आपको कैसे ये जगह साथ देते हैं, हर जगह हर जगह, आपको ये बात कैसे पता? यार कभी ज़रूरत पड़ी है मैंने फ़ोन किया है तो एनी टाइम अच्छा मौजूद होते हैं वो। चलो ये तो हो गई दोस्ती यारी की बात, दोस्ती यारी में तो लड़के होते हैं ऐसे, और बात रही अगर जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह की, लड़की मैंने आपको प्रूफ दे दिया तो ये तो आपकी गर्लफ्रेंड है। मुस्लिम लोग जो मतलब मैंने जैसा सुना है गर्लफ्रेंड चलाते हैं लड़कियां, चार चार तीन तीन पांच पांच चला रहे एक साथ, उसका क्या सीन है? आप चलो रहे हो मुस्लिम्स के बीच में, ये बताओ मुझे क्यों करते हैं ये लड़के ऐसे? यार अब हर कोई अच्छा भी नहीं होता तो हर कोई बुरा भी नहीं होता। नहीं मुझे इस मामले में तो इस मामले में तो मुझे मुस्लिम लड़के लगता है कि ये गलत है। ऐसी बात नहीं, आप मुझे मुसलमान ही समझ लो एक तरह से, आपको समझ लो तो आपको कैसे समझ लो, आप हो ही नहीं ना, आपकी तो गर्लफ्रेंड है मुस्लिम, आप अभी ना सही तरीके से मिले नहीं फिर उनसे, आपको दोस्त अच्छे नहीं मिले। दोस्त चलो ठीक है मान लेते हैं अच्छे नहीं मिले, पर लेकिन मेरे नज़र में तो मुस्लिम लोग यार अच्छे नहीं होते हैं, और मुझे जैसा अगर मुस्लिम लोग दिख भी जाए ना तो मैं उनसे बात भी नहीं करूँगी। तो रीज़न दो मेरे को और, आपको रीजन ठीक नहीं है, मैं आपको रीजन क्यों दूंगी? देखो मुझे ब्लेम करने वाली बात हो गई किसी को, देखो ये हम कह सकते हो मुझे नफरत है तो उसका रीजन दो ना भाई, मुझे नफरत है बस, मुझे पसंद ही नहीं है ये मुस्लिम लोग, मैं तो आपको भी यही बोलूंगी, आपकी आपको भी बोलूंगी मुस्लिम लड़की के साथ मत रहो, ये आपकी गलत बात है, गलत है। 6 साल का रिलेशन है, 6 साल सच बताओ? सच में अभी फोन करूँ आपसे बात करा दूंगा? नहीं नहीं यार चलो ऐसे इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है। चलो यार मेरी नज़र में तो नहीं, मेरी नज़र में तो मुझे लगा अच्छा। आप हिंदू हो तो आप आपको भी भाई हैं मेरे सारे सारे भाई हैं आपके, आप तो उनके बारे में सुन भी नहीं रहे ना, मैं आप कभी किसी दिन और मिलोगे ना? नहीं मुझे लगा आप हिंदू हो तो आपको भी पसंद नहीं होंगे मुस्लिम लोग, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है, सब गलत नहीं होते। चलो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे यार मेरा नाम शिवाली ठाकुर है, अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं ना एक्चुअली एक वीडियो शूट कर रही थी, अच्छा सामने हमारा कैमरा है तो यार ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये सिर्फ वीडियो के लिए बोला मैंने, नहीं वैसे मेरे दिल में हाँ बहुत अच्छे बंदे होते हैं। नहीं देखो रियलिटी में ना, रियलिटी की बात करें तो हिंदू क्या मुस्लिम क्या दोनों ही बराबर है, दोनों अच्छे होते हैं, बात सिर्फ सोच की होती है, इंसानियत होनी चाहिए सब में, धर्म एक अलग चीज़ होती है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का ही होता है तो वो सबके अंदर होना चाहिए। और तो गाइज मेरे दिल में कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है मुस्लिम्स के लिए, मेरी तरफ से दोनों हिंदू मुस्लिम क्या दोनों बराबर ही हैं। ये सिर्फ वीडियो मैंने ये जो वीडियो शूट करी थी, जो भी मैंने बोला है ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बोला है कि यार देखो ना हिंदू के दिल में मुस्लिम के लिए नफरत है ना मुस्लिम के दिल में हिंदुओं के लिए नफरत है, आप देख सकते हो लाइव एग्जांपल है हमारे सामने, तो हमारे हिंदू भाई जो हैं वो मुस्लिम्स के लिए गलत नहीं सोचते हैं ना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए गलत सोचते हैं, इनके भाई लोग हैं दोस्त हैं, इवन इनकी गर्लफ्रेंड भी मुस्लिम है तो और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँगी। तो सबसे बड़ा धर्म देखो यार इंसानियत का होता है, तो इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, हिंदू क्या मुस्लिम क्या होता है, तो ऐसे ही गाइस प्यार बनाए रखें। मैं उम्मीद करती हूँ सबकी सोच इनके जैसी हो, ऐसे ही भाई हमारे हों,
तो मिलते हैं गाइज आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सबसे ज़्यादा शेयर करें ये मुस्लिम्स जो हमारे भाई लोग हैं, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे देख के कि उनके लिए हमारे हिंदू भाइयों के दिल में कितना प्यार है।